नमस्कार, आज है 9 फरवरी 2020 और आज कंडक्ट किया गया था एचपी एलाइड सर्विसेज का एग्ज़ाम। देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं हम सभी को हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके के। क्वेश्चन नंबर 1 है एचपी जीके का। एचपी जीके का पहला क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश अंडरटेक ब्लू रेवोल्यूशन हैज़ एनविसेज्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउ मैनी हेक्टेयर न्यू पॉन्ड्स एंड ट्राउट यूनिट इन द स्टेट बाई 2022। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो था वो था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिमाचल प्रदेश की किस जगह को वृष्टि छाया प्रभाव के कारण प्रदेश का सर्वाधिक सूखा क्षेत्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी स्पीति जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द आर्यन किंग हु डिफीटेड द किरातास पावरफुल किंग सांभर इन द वॉर दैट लास्टेड फॉर 40 ईयर्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी देवदास। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं एज पर ऑफिशियल आंसर की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, परिनो झंझारा दामचलिंग डोगरी क्या चीज़ें हैं ये। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, मैरिज का टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस मेले की कल्पना शिमला हिल स्टेट्स के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने की थी। देखिए, आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो शिवरात्रि दिया गया है, परंतु इसका आंसर नलवाड़ी, बिलासपुर की नलवाड़ी, ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। आंसर की के अकॉर्डिंग इसका सी ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर दिया गया है, पांचवें का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वॉज फाउट एंड 28 जनवरी 1846 बिटवीन द ब्रिटिश लेड बाय सर हेनरी स्मिथ एंड सिख लेड बाय रणजीत सिंह मजीठिया। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, बैटल ऑफ आली वॉल। बैटल ऑफ आली वॉल इसका है दिया हुआ अकॉर्डिंग टू आंसर की। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु स्टार्टेड एंड लैंडेड रेवेन्यू सेटलमेंट इन चंबा 1876। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो इसका मेजर ब्लेयर रीड, ऑप्शन सी जो है कॉर्नल रीड जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है एज पर ऑफिशियल आंसर की ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ किन्नौर। किन्नौर की सबसे हाईएस्ट पीक कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही आंसर है, लियो पारगिल जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी जो है सिरमौरी लो जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी एपीएफ हारकोट जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में अगर इनको मैच किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 13 का एज पर ऑफिशियल का आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिमला की जो गॉर्डन कैसल बिल्डिंग है वो किसके द्वारा बनाई गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, एस एस जैकब। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है, टू मीट दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय 2030। देखिए, इस क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस किया था कि फॉरेस्ट जो है हिमाचल ने क्या टारगेट रखा है, तो रखा है 30% टारगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज दी अप्रोक्सीमेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म टू दी स्टेट जीडीपी। स्टेट की जीडीपी में जो है वो 6.6% कंट्रीब्यूट होता है। ये क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच इज दी पास एंड एलिवेशन ऑफ 4,890 मीटर वेयर रोड्स फ्रॉम झांसकर लद्दाख स्पीति लाहौल मीट। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है ऑप्शन ए बारालाचा दर्रा बिल्कुल सही आंसर है, बारालाचा पास। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी खचास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु बिल्ड दी भूतनाथ टेम्पल। तो भूतनाथ टेम्पल मंडी का जो है वो बनाया गया था अजबर सेन के द्वारा, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें आपको बताना है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो इनमें से किसको दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का कांगड़ा पेंटिंग जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, तो कांगड़ा संसार चंद के जो समकालीन पेंटर थे, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी मानकू जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दी ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट इन एचपी विच फाइंड्स मेंशन इन महाभारता पुराना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी त्रिगर्ता। त्रिगर्ता जो है क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हु बिल्ड द टेंपल ऑफ गॉडेस नैना देवी ऑफ द सेवन धार्स नाउ कॉल्ड धार नैना देवी। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो है ऑप्शन ए राजा बीरचंद सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, तो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें
क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी चंबा जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, नगरोटा इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है विच वैली ऑफ किन्नौर वॉज कनेक्टेड विद उत्तराखंड बाय सेवरल पास। क्वेश्चन नंबर 26 का जो है वो ऑप्शन बी बसपा वैली जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी अमर सिंह थापा सही आंसर है। अमर सिंह थापा को इनवाइट किया गया था कांगड़ा के राजा के खिलाफ बिलासपुर मंडी और चंबा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन डी राजा केहरी सिंह जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 का जो है वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है स्नो लेपर्ड। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 का जो है वो ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन जो है इसका सही आंसर होगा। लॉर्ड लिटन के द्वारा इसका विचार किया गया था और ये बनाई गई थी और ये इसमें पहली रिजाइड किया गया था लॉर्ड डफरिन के द्वारा पर बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का जो है ऑप्शन बी गंभरी देवी जो है वो सही आंसर होगा, टैगोर सम्मान जो है गंभरी देवी को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है इन विच विलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश द कंट्री हाइएस्ट पुलिंग स्टेशन हैज़ बीन, देखिए ये है ताशीगंग में। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन ए संजौली पुलिस स्टेशन जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में आपको मैच करना है, मैच करने के लिए इसका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 34 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर होगा 11। क्वेश्चन नंबर 36 है ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 36 का। अगर रोड और ब्रिजेस की बात की जाए तो इसके लिए बजट है 955.14 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो है वो ऑप्शन डी सिरमौर और चंबा जो है वो सही आंसर होगा, ये विदाउट अल्ट्रेशन जो था वो मर्ज हो गए थे हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन सी चेनाब जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो है हु वॉज द रूलर ऑफ भरमौर ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी, तो देखिए इसका जो है क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन बी मेरू वर्मन सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 का जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी साहिल वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, तो क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वेश्चन नंबर 43 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर दिया गया है गुरचरण सिंह। क्वेश्चन नंबर 44 है, क्वेश्चन नंबर 44 का जो है वो होगा ऑप्शन डी सही आंसर होगा इसका लाहौल स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है गेटी थिएटर में जो पहला प्ले हुआ था उसका क्या नाम था, उसका नाम था टाइम विल टेल। 45 का जो है ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रजिस्टर्ड द एवरेस्ट, तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो है वो ऑप्शन डी अजय शर्मा जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, तो क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो इसका ऑप्शन ए जो है वो निचार सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 जो है इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, देखिए क्वेश्चन नंबर 49 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन बी जो है गंडवाल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है तेलंगी सेलेक्शन एंड रिब्बा सेलेक्शन जो है वो किसकी वैराइटीज हैं, तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो है वो ऑप्शन सी आलमंड जो है वो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 50 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 की लाहौल स्पीति जो है वो कितना परसेंट एरिया कंट्रीब्यूट करता है, तो ये करता है 24.85, 51 का ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, क्वेश्चन नंबर 52 है इन ऋग्वेदा विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट फाउंडेड मेंशन्ड फ्लोइंग थ्रू द हिमाचल प्रदेश, क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन ए यमुना जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 है विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन ऑफ हिमाचल प्रदेश डज नॉट सेलिब्रेट दी दशहरा, तो दशहरा जो है वो बैजनाथ के द्वारा नहीं मनाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है इन विच ऑफ द पुरानाज द किन्नर्स आर सेट टू बी इनहेबिटेंट ऑफ महानद माउंटेन्स, क्वेश्चन नंबर 54 का जो है वो ऑप्शन ए वायु पुराना सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कुल्लू ऑन हिज वे टू लद्दाख, तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो है वो होगा ऑप्शन बी मूरक्राफ्ट सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर
56 जो है, क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन डी पत्तन वैली जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, चिन्मया तपोवन कहाँ पर है? तो देखिए चिन्मय तपोवन जो है धर्मशाला में है, 57 का बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 जो है, 58 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, हेमलता उपाध्याय। 58 का ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, ऑन विच ऑफ दी फॉलोइंग रेलवे रूट द ग्लास रूफ सी विस्टाडोम कोच वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो देखिए विस्टाडोम के बारे में मैंने आपको बताया था, तो 59 का जो है वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा, कालका शिमला। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 है, द मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ वाज नॉट रिलीज्ड पोस्टल स्टैंप ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन डी द रिज शिमला जो है वो सही आंसर होगा। देखिए ये था एच पी जी के का सेशन, नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट पार्ट की आपको आंसर की प्रोवाइड करवा दी जाएगी। टेलीग्राम पर हम ज्वाइन कर लें आप, टेलीग्राम पर आपको इसके आंसर की प्रोवाइड करवा दी जाएगी। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।